गैंगस्टरों की कमर तोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन जिस तरह से एक्टिव हुई है उससे तो लग रहा है कि अब पंजाब के अंदर गैंगस्टरों का नामो निशान बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसी कड़ी में महाराष्ट्र एटीएस ने गैंगस्टर और आतंकी हरविंदर सिंह और फरिंदा के तीन गैंगस्टर साथियों को मुंबई के ठाणे से गिरफ्तार किया। एटीएस का कहना है कि तीनों गैंगस्टर रिंदा के संपर्क में थे। वहीं रिंदा, जिसके बारे में पिछले साल खबरें आई थी कि वो मर गया है, लेकिन कभी कभी खबरें ये भी निकल कर आती हैं कि रिंदा जिंदा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको रिंदा की पूरी क्राइम कुंडली बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं MBTF न्यूज। साल 2022 नवंबर का महीना था, एक खबर आई पाकिस्तान में रिंदा मर गया। तो सबसे पहले देविंदर बम्बीहा गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली और कहा कि हमने ही रिंदा को मरवाया है। उसके अगले ही दिन लखबीर सिंह लंडा, जो कि कनाडा में बैठा हुआ है, उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि रिंदा जिंदा है। और तभी से रिंदा के जिंदा और मरने के बीच में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। रिंदा की मौत की वजह को लेकर भी संशय रहा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऑर्गन फेल्योर की बातें कही गई तो कुछ में ड्रग्स ओवरडोज की वजह बताई गई। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने उसे जहर देने की बात भी कही। खैर, रिंदा की कहानी पर पहले आते हैं। गैंगस्टर हरविंदर सिंह रिंदा पंजाब के तरन तारण जिले का रहने वाला था। 11 साल की उम्र में उसे पंजाब से महाराष्ट्र के नांदेड़ हुजूर साहिब में रहने के लिए भेजा गया, लेकिन बहुत कम ही उम्र से उसके अंदर आपराधिक प्रवृत्ति पनपने लगी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रिंदा ने पहली बार हत्या 18 साल की उम्र में की। तरन तारण में परिवार में विवाद से जुड़े एक रिश्तेदार को मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद वो अपराध के दलदल में आ गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब में उसने स्थानीय व्यापारियों को धमकाकर वसूली करने शुरू कर दी, दो लोगों की हत्या कर दी। वजीराबाद और विमंतल थाने में हत्या, हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामलों में उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई। इसके बाद साल 2016 में दो और मामले दर्ज किए गए और उसे घोषित अपराधी की लिस्ट में शामिल कर दिया गया और उसकी गिरफ्तारी हुई। अपराधी घोषित किए जाने के बाद परिवार वालों ने रिंदा को पंजाब शिफ्ट करने के लिए अर्जी दी। रिंदा के लिए पंजाब एक सुरक्षित ठिकाना था। साल 2016 में वो पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस से छात्र राजनीति में कूद गया। छात्र राजनीति में रहते हुए वो स्टूडेंट और लोगों में अपना खौफ फैलाना चाहता था। इसकी शुरुआत उसने भारतीय छात्र संगठन यानी कि SOI के नेताओं से की, उन पर गोलियां चलाई। यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में आने वाले सेक्टर 11 थाने के तत्कालीन अध्यक्षों इंस्पेक्टर नरेंद्र पटियाल को खत्म करने की पूरी साजिश रची और धमाके भी किए। चंडीगढ़ पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक भारी भीड़ की वजह से उसकी योजना फेल हो गई। साल 2016 में पंजाब यूनिवर्सिटी में गोलीबारी की घटना के बाद उसने अप्रैल 2017 में होशियारपुर के एक गांव के सरपंच सतनाम सिंह को गुरुद्वारे के बाहर दो अन्य लोगों के साथ मार डाला। अप्रैल 2018 में मोहाली में मशहूर पंजाबी गायक परमेश वर्मा पर भी हमला हुआ। इसमें दिलप्रीत बाबा और हरविंदर सिंह रिंदा का नाम सामने आया। इस तरह से रिंदा के खिलाफ पंजाब में दर्जन भर मामले दर्ज हुए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रिंदा नेपाल के रास्ते पाकिस्तान पहुंचा। उसने जाली पासपोर्ट के जरिए सफर किया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने उसे संरक्षण दिया। चंडीगढ़ में रिंदा के खिलाफ दर्ज सभी मामलों में उसे भगोड़ा घोषित किया गया है। द प्रिंट के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जाने के बाद रिंदा खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा। उसने कई घटनाओं को अंजाम दिया। इसके बाद वो भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर की लिस्ट में शामिल हो गया। और इतना ही नहीं, इंटरपोल ने भी उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। नवंबर में उसकी मौत की खबरें भी संशय में डालने वाली रहीं। मीडिया रिपोर्ट्स में उसकी मौत की वजह ISI को बताया गया। हालांकि पंजाब से देविंदर बम्बीहा की गैंग ने भी उसकी मौत की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन आधिकारिक रूप से हरविंदर सिंह रिंदा की मौत की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है कि रिंदा जिंदा है या फिर मारा गया।